Rio Negro or Amazon River. यहाँ पर पेड़ इतने घने हैं कि मैं नीचे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ. नक्शा उड़ गया दर तेरी. अब मैं क्या करूंगा? इस प्लेन ने मुझे यहां तक तो पहुंचा दिया, पर आगे का सफर तय करेगा वाइल्ड फ्रैंक. मेरा नक्शा तो उड़ गया है और वैसे भी मुझे उसकी जरूरत नहीं है. मैं अपना रास्ता खुद बनाता हूं. यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जंगल को छोड़कर शहर के करीब आवसे हैं. मैं पहले उनसे मिलने जा रहा हूँ. मैं उनसे जानूंगा कि जंगल में उन्हें कैसे जोखिमों का सामना करना पड़ा था. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नो एंट्री विदाउट परमिशन. क्या ये साइन मुझे रोक सकता है? बिल्कुल नहीं. खतरनाक लग रहा है. आपको मेरी बात समझ में आएगी? मैं जानवरों को ढूंढ रहा हूँ. जानवर बड़े बड़े. परमिशन ली? परमिशन वहाँ पे सिर्फ एक बोर्ड लगा है, वहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं बस चलते हुए आगे आ गया. इस इलाके में जल्दी कोई आता नहीं है, और जब मैंने उस अजनबी को आते हुए देखा तो मैंने पूछताछ शुरू कर दी. मेरा नाम है फ्रैंक, वाइल्ड फ्रैंक. क्या काम है मुझसे बताओ? आप यहाँ के मुखिया हैं क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, मैं हूँ ना. मुझे आपसे कुछ बात करनी थी. देखिए आप पहले जंगल में रहा करते थे और अब आप यहाँ आकर बस गए. देखो बात ऐसी है कि हम यहाँ सुरक्षित हैं. तो यहाँ पर रहना जंगल में रहने से बेहतर है? हाँ, पहले हम जब जंगल में रहते थे वहाँ बहुत कीड़े मकोड़े थे, मच्छर काटते थे. हाँ मच्छर तो होते हैं. हम दिन भर खुजली करते रहते थे, पेट पे खुजली, पीठ पे खुजली. पर जब से हम यहाँ आए हैं हम बिल्कुल ठीक हैं, बस अब पुलिस परेशान करती है. अच्छा, तो आप जब जंगल में रहते थे तो मच्छर काटते थे, अब यहाँ आ गए तो पुलिस वापस भेज रही है? हाँ. अच्छा, तो जब पुलिस यहाँ पर आती है तो वो आपसे क्या कहती है? आप यहाँ के मुखिया हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि ये इलाका आपका. हाँ, नहीं, ये बात लेकिन नहीं. मैंने बगावत की और पेपर में भी आया था. अच्छा, पेपर में भी आई है. देखिए ये अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. मैं उनकी बात को नहीं मानता. बिल्कुल सही, मैं आपके साथ हूँ. इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. लगता है ना याद दिलाना पड़ेगा मैं पुलिस वाला नहीं हूँ. ये तो बहुत सीरियस लग रहा है. जल्दी निकलना पड़ेगा यहाँ से. कभी कभी यहाँ जंगली जानवर आ जाते हैं तो उनसे बचने की सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है. इसलिए हम अपने औजार खुद ही बनाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करना हमें अच्छे से आता. ये कर क्या रहे? वो वहाँ ऊपर बैठ के दिन भर पहरेदारी करेगा और इस बात का ध्यान रखेगा कि कोई जंगली जानवर गांव में ना आ जाए. क्या आपने कभी ये काम किया? नहीं नहीं. अच्छा, तो क्या जानवर उस तरफ से आते हैं? हाँ, वहाँ कहीं से भी आ सकते हैं. यहाँ कौन कौन से जानवर हैं? बहुत से हैं, बड़े बड़े सांप हैं. बड़े बड़े सांप? हाँ बहुत बड़े. यहाँ बड़े सांप आते हैं वो भी उस तरफ से? हाँ उस तरफ से ही. कुछ लोग अपने घर के बाहर कैमराज लगाते हैं, कुछ लोग गार्ड्स, लेकिन इन्होंने यहाँ कुछ अलग ही इंतजाम किया है. दोस्तों हमें परमिशन मिल गई है, चलिए सफर शुरू करें. एक सेकंड एक सेकंड, यहां पे कुछ है. वाह, देखिए इसे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, हमला नहीं करना. ओके, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा. ये तो बात सुनने को तैयार ही नहीं है. अच्छा 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 अच्छा, मुझे देखो जरा, इसे देख रहे हैं दोस्तों? ये अमेज़न का पोकेपाइन यानी शाही है. देखिए इसके खूबसूरत कांटों को देखिए, ये दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक. गंदे बच्चे, बहुत दर्द हो रहा है. खुश हो गए तुम? ये लो,
ये एक तरह से ऐसा खुद को बचाने के लिए करते हैं। जब इन्हें लगता है ये खतरे में हैं, तो ये कांटे मारते हैं। जैसा इसने मुझे ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मुझे डर लग रहा है। अपने काम के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैंने इसके पूंछ को पकड़ा है क्योंकि पूंछ पर कांटे ज्यादा नहीं होते। इसके दांत बिल्कुल किसी गिलहरी जैसे होते हैं। ये लकड़ियों को खाते हैं, साथ ही इन्हें खुद को बचाने के लिए ये कांटे दिए गए हैं। अगर कोई सांप इन्हें निगलने की कोशिश करेगा तो ये कांटे चुभेंगे। वो करेगा आ, लेकिन इसे खा नहीं पाएगा। भाग रहा है। रुको रुको, आराम से जल्दी क्या है, रुक जाओ, मुस्कुरा ना, थोड़ा सा हंस दो। मैं इसे हंसा रहा था ताकि आप इसके दांत देख सके। ये देखिए कैसे इसने अपने पूंछ से पकड़ बनाई। ये इसी तरह पेड़ों पर चढ़ता है। अब एक काम करते हैं, मैं इसे अपने कंधे पर रखता हूँ, देखते हैं ये क्या करेगा। आ जाओ आराम से, काटना नहीं। हाँ, ये इस वक्त बहुत गुस्से में है। मुझे डराने के लिए ऐसी आवाज निकाल रहा है। ये कह रहा है कि मुझे छोड़ दो वरना काट लूंगा। ये आखिर कर क्या रहा है, मेरे बैग पे क्यों चढ़ रहा है। ओहो, देखिए दोस्तों, इसे कहते हैं मुसीबत को सर चढ़ाना। वैसे आपको एक बात बता दूं, कुदरत ने हर एक जानवर को अपने बचाव का कोई ना कोई तरीका दिया है। इसे देखकर आप सोचेंगे कि वैसे तो ये छोटा है, ये क्या कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बात हो खुद को बचाने की, तो इस छोटे से जानवर के पास भी खुद को बचाने का एक तरीका है। ये काफी वक्त से मुझ पर बैठा है और साथ ही इसने मुझे बहुत से कांटे भी मारे। ओह, क्या इरादा है छोटे सरकार, नीचे आओगे क्या? बस ऊपर से मुझे कांटे मारते रहोगे। एक तो तुम्हें पीठ पे बिठाया और तुम ओके, तो मैं कह रहा था कांटे मार के थक गया तो पूंछ से मार रहा है। क्यों ना इसे भी सफर पर ले चले, क्या कहते हो छोटे सरकार, मेरे साथ सफर पर चलोगे? तुम्हारी खामोशी को ना समझू, आओ तुम्हें यहां उतार देता हूं, यहां लेट जाओ। आओ उतरो ना, आ जाओ। ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। आ जाओ नीचे उतरो, देखो मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, बस नीचे उतर जाओ। आ जाओ ना, नीचे उतरो, नीचे उतरो, देखो मैं पेड़ पर लेट रहा हूँ, अब नीचे उतर जाना। हाँ प्लीज, आराम से आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लगता है ये भी जगह पसंद नहीं आई, अब क्या करो। आ जाओ, मेरे कान में कांटे लगे हैं। ओहो, उतर जाओ प्लीज, उतर जाओ। देखो हम दोनों का साथ यहीं तक था, तुमसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन अब मैं अपने रास्ते जाऊंगा और तुम अपने रास्ते। चलो बाय बाय, अपना ख्याल रखना। ये जगह देखिए बहुत खूबसूरत है ना। ये एक छोटा सा तालाब है और इसके ऊपर बहुत सारे विक्टोरिया वाटर लिलीज हैं। ये दिखने में कमल जैसे हैं। इस तरह की जगह में उतरने में खतरा होता है, पता नहीं कब क्या मिले, सांप भी हो सकता है। बचा लेना, यहां पे चलना भी मुश्किल है। कुछ चुभा, यहाँ पानी में मेरा पैर धंसता ही जा रहा है। नीचे की मिट्टी बहुत नर्म है और जब मैं उस पर पैर रखता हूँ तो उसमें से हवा बाहर निकलती है, और ये वही बुलबुले हैं जो आप मेरे आसपास देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैं इन्हीं की बात कर रहा था, मुझे गलत ना समझिएगा, ये मिट्टी से आ रहे हैं। ये है विक्टोरिया प्लांट और इसकी खासियत है कि ये बहुत सख्त होता है। अगर मैं इस पर कुछ चीजें भी रख दूं ऐसे, तो ये डूबेगा नहीं। देखा आपने, एक छोटा सा मगरमच्छ का बच्चा भी इस पर बैठ सकता है, या कभी कभी मेंढक। मैं आपको ये नीचे से दिखाना चाहता हूँ। मैं तो भूल गया, किनारे पर कांटे होते हैं। पहले शाही और अब ये, आज का दिन कांटों भरा है। ये देखिए, इन कांटों के बीच एक खूबसूरत फूल निकलता है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ मेरी तरफ आ रहा है, शायद पानी में कुछ है। ओ, यहां सांप है। एक बुआ है,
इसे बाहर ले चलते हैं। ज्यादातर ये बोआज पेड़ों पर रहते हैं, लेकिन ये वाला हमें तालाब में मिला है। याद है ना, मैंने आपसे कहा था कि तालाब में कुछ भी हो सकता है, और हमें वहाँ पर ये मिल गया। इसने सोचा होगा मुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन मैंने ढूंढ लिया। मैं आपको इसके दांत दिखाना चाहता हूँ। ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके दांत बहुत तेज होते हैं। ये पीछे की तरफ बने होते हैं ताकि शिकार को काटने पर वो निकल ना सके। ये सांप कंस्ट्रिक्टर होते हैं, मतलब ये अपने आप को शिकार के ऊपर लपेट कर उसे दबोच देते हैं। इसने पानी में भी ऐसा ही किया। इसने मेरे पैर को पकड़ा और फिर उसे काट भी लिया। पास से देखने पर आपको दांतों के निशान नजर आएंगे। जरा जूम करना, ये देखिए। इन सांपों को दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक माना जाता है। इनका वजन 110 किलो से लेकर 150 किलो तक हो सकता है। ये छोटे जानवरों को खा सकते हैं, यहाँ तक कि एक छोटे टैपियर को भी। एक बड़ा बोआ किसी बड़े जानवर को भी खा सकता है। ये वाला तो आकार में थोड़ा छोटा है, लेकिन इसका मुंह देखिए। ये अपने जबड़े को डिसलोकेट करके वो बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिससे ये बड़े शिकार को निगल सकते हैं। जरा इस पर बनी इन पीली धारियों को देखिए। ये सांप बहुत खूबसूरत है, और इस वक्त ये मेरे हाथ को जकड़ रहा है, लेकिन मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। सुहाना सफर जिया, बिल्कुल मेरी तरह, बस मुझसे 20 साल बड़े। वो अमेज़न में रहते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के जानवरों और पौधों के बीच बिताई है। इस इलाके को इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कैसे हो दोस्तों? मैं यहाँ हूँ इस तरफ। मैंने इनके गाने की आवाज सुनी और सोचा पास आके सुन लो। और मैं, ये तो अपने आप में ही मस्त है। इस मिट्टी को देख रहे हैं, ये बहुत चिकनी है, और इस जंगल में बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अंदर जाता हूँ। हाय, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप गाना गाते रहिए, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। रास्ता मुश्किल है, पर हम चलेंगे। मैं चलाऊं क्या? नहीं नहीं, मैं चला लूंगा। मुझे किसी और के ड्राइविंग पे इतना भरोसा भी नहीं। तो आपको लगता है मैं चला नहीं पाऊंगा? मेरा वो मतलब, आप बस रास्ता बताइए। यहाँ से सीधे जाना है, और कोई रास्ता है भी नहीं। वही तो कह रहा हूँ, सीधे जाना है। आप नहीं होते तो मेरा क्या? गियर में ही चढ़ाना पड़ेगा ना। इन जगहों पर ऐसी गाड़ियाँ नहीं चलाई जाती। देखिए, आप इतना बोलेंगे तो मैं चला नहीं पाऊंगा। कहीं लड़ा दोगे तुम? लेकिन ऐसे नहीं चल सकते, जंगल है तो आराम से चलाओ। ये तो मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं। देखिए, आप गाना गाइए, मैं गाड़ी चला लूंगा। देखो, मैंने कहा था यही वो जगह, मैं इसी की बात कर रहा था, यही वो जगह। यहाँ जाना है? तेज गाड़ी चलाओगे तो ऐसा ही होगा। बात ही नहीं करूँ? संभल कर फ्रेंड। ओहो, ढंग से चलाओगे तो सफर का मजा भी आएगा। ये तो बंद हो गई। देखा, खराब कर दी ना मेरी गाड़ी। अब क्या करेंगे? हाय, हट जा तू, मुझे चलाने दो। चलो उतरो, मुझे चलाने दो। मैं पहले कह रहा था तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती। मैंने कहा था रास्ता खराब है, मैं पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? गाड़ी खराब कर दी तुम, बिल्कुल नॉस। अरे, रास्ता खराब है, अब क्या करूं बताओ। पेट्रोल ही खत्म कर दिया। पेट्रोल खत्म हो गया तो आप ले आइए। देखो, गाड़ी चला रहे थे, तुम जाओगे? आप जाइए, पेट्रोल ले आइए। तुम यहीं पे रुको, मैं पेट्रोल लेके आता हूँ। यहीं रहना। मैं यहाँ रुकूं? घूमे थे बड़े जंगल में। आगे जंगल में जाओ। बिल्कुल, आपका दिमाग खराब है। गाड़ी तुमने चलाई और दिमाग मेरा खराब है, वाह क्या बात है। आप जाइए, पेट्रोल लेकर आइए, मैं यहीं पर रुकूंगा। मैं यहाँ रुककर जंगल में छोटे जानवरों को ढूंढूंगा। जंगल में कोई जानवर खा जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मुझसे मत कहना। जंगल में क्या होता है मैं भी जानता हूँ, आप पता चलेगा। मैं तो बस कह ही सकता हूँ, जल्दी आइएगा। दो मिनट चलाने की, पेट्रोल खत्म। पता नहीं अब कब लौटूंगा। पेट्रोल पंप कहाँ है? संभाल के रहना, टाइम वेस्ट मत कीजिए, जल्दी जाइए। मैं देखता हूँ यहाँ मुझे क्या मिलता है। गाड़ी में तो पेट्रोल नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक कुछ जानवरों को ही ढूंढ लूं। यहाँ पर लकड़ी पे कुछ मशरूम्स हैं, साथ ही और भी कई चीजें हैं। वो देखो, वो देखो, वो एक कैपुचिन मंकी है, वो भाग रहा है, उसे बुलाता हूँ। वो तो दूर ही जा रहा है, शायद मुझे उसके पीछे जाना पड़ेगा। डरिए मत, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे इसके लिए पेड़ पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। इसका नाम कैपुचिन इसलिए है क्योंकि इसके शरीर पर एक
कैपुचीन जैसा चोगा है और जिन ईसाइयों ने इसे ढूंढा था वो भी ऐसी कैपुचीन पहना करते थे। अगर सच कहूँ तो ये बंदर बहुत होशियार होता है, लेकिन मैं इसे बुलाऊंगा। नहीं सुन रहा है, मैं इसे नाम दूंगा मार्सेल। मार्सेल यहाँ पे आ जाओ। मार्सेल शादी से नाम पसंद आया? ये तो नीचे आ रहा है। नहीं ये तो दूर जा रहा है। देखिए ये कैसे तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है। मुझे लगता है ये अपनी टोली से यहाँ आकर बिछड़ गया है। ये खाने की तलाश में यहाँ आया होगा और इसके ग्रुप से अलग हो गया। मुझे लगता है कि शाम तक ये वापस मिल जाएंगे। जब ये एक साथ होते हैं तो एक दूसरे की हिफाजत करते हैं। वो देखिए वो शायद फल खाने जा रहा है। देखिए 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 वहाँ ऊपर, शायद वो फल तोड़कर मेरी तरफ फेंकेगा। देखिए देख रहे हैं कैसे फल तोड़ रहा है। देखिए गिराया नीचे, इसने ये फल मुझ पर फेंका, लेकिन इसका निशाना अच्छा नहीं है। ये देखिए मार्सेल, मैं बिना हिले खड़ा रहूंगा, शायद ये मेरे पास आ जाए। ये बहुत खूबसूरत है, शायद मैंने इसका विश्वास जीत लिया है। अभी अभी जो हुआ मुझे उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो मेरे पास आया, उसने मेरे हाथ से फल भी खाया। मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरा दोस्त बन गया है। बहुत रोमांचक था। हाँ लेकिन उसे पकड़े। दोस्तों क्या आप जानते हैं इस वक्त मैं गाँव एक नाव पर, और ये तो आप भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं अमेज़न के किस हिस्से में हूँ। लेकिन मैं भी नहीं जानता, मैं एक तालाब पर हूँ, इस बोट में पानी पर तैर रहा हूँ, और आसपास ये जो पेड़ हैं, इनकी वजह से पानी अपने स्तर के ऊपर नहीं आता, ये इसी स्तर पे बना रहता है। देखिए अगर मैं ज्यादा हिलूंगा तो पानी नाव में भरने लगेगा और फिर ये डूब जाएगी, लेकिन पानी भरने पर मैं उसे इससे बाहर निकाल सकता हूँ। और इस चीज को यहाँ के लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, एक बार पानी निकल जाए तो मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ। इस वक्त तो आसमान साफ है, लेकिन जब बारिश का मौसम होता है तो यहाँ पर बाढ़ आती है, और पानी का स्तर जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये बारिश के बाद कुछ इतना ऊपर हो जाता है, और फिर उस दौरान आपको पानी में मगरमच्छ ऊपर तैरते हुए नजर आते हैं। अच्छा हुआ मैं तब शूट के लिए नहीं आया, वरना मैं भी मगरमच्छों के साथ तैरता नजर आता। ज्यादा देर रुकोगे तो वही हाल होगा। क्या बात है, यहाँ पर तो घर है। ये देखिए यहाँ पर लोग भी हैं, इनसे जाकर मिलता हूँ। हाय मैं हूँ फ्रैंक, क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? इन्होंने यहाँ पर ये लकड़ी लगाई है। हाय मैं हूँ वाइल्ड फ्रैंक, आपका नाम क्या है? एलियो। एलियो एलियो ये लीजिए। शुक्रिया। बस 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 ओ, कॉफी पिए 3 दिन हो गए। क्या ये घर आप ही ने बनाया? हाँ। अकेले जी? तो ये बाढ़ में डूबता नहीं है? नहीं डूबता, क्योंकि हमने इसके नीचे खास लकड़ी लगा रखी है जो इसे नहीं डूबने देता। अच्छा तो पानी के साथ ये भी ऊपर आ जाता? हाँ, है। आप तैरते रहते? ओ तो ये खास लकड़ी है, आप कोई और लकड़ी लगाते हाँ, तो ये घर डूब जाता पूरी तरह से। और ये घर कितना मजबूत है, मतलब कितना वजन ले सकता है? करीब 700 से 800 किलो। तो क्या आप साल भर यहीं रहते? नहीं, जैसे मौसम बदलता है मैं उस तरफ चला जाता हूँ, वहाँ पानी कम होता है। अपने घर को अपने साथ ले जाते हैं? हाँ। ये तो एक शिकारी की तरह है, मतलब जैसे एक हाउस बोट। यहाँ मगरमच्छ है क्या? हाँ। मुझे आते वक्त एक छोटा वाला मिला था। बड़े वाले भी? बड़े भी हैं। आपको डर नहीं लगता कि मगरमच्छ आकर कभी आपको खा लेगा? नहीं वो आते हैं पर हमें उनसे डर नहीं लगता, इन्हीं के साथ तो हम बड़े हुए। फ्रैंक मुझसे पूछ रहे थे कि क्या यहाँ मगरमच्छ होते हैं, और अगर वो होते हैं तो क्या वो तुम्हें आकर खा नहीं जाते? मुझे? हम खुद मगरमच्छ खाते हैं।
वो क्या हमें खाएंगे? अच्छा तो अगर मगरमच्छ आपको खाने आए तो आप उसे पकड़ के खा लेते हैं? टेस्टी होता है क्या? बहुत अच्छे होते हैं। इससे मिलिए। अरे वाह, जरा इसे देखिए, मिट्टू मिट्टू कैसे हो? ये तो बहुत प्यारा है। ये एक ब्लू हेडेड पैरट है और ये मुझे देखकर थोड़ा शर्मा रहा है। इसे हाथ लगाकर देखता हूँ क्या ये। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, जब भी मैं जानवरों को छूता हूँ तो वो कहते हैं कि मेरे पास बताओ, लेकिन मैं उनकी नहीं सुनता। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इनके घर में ये होगा। और इनके बारे में एक खास बात यह है कि इन पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। अब जरा इसकी पूंछ देखिए। इसकी पूंछ देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि ये एक मेल पैरट है, क्योंकि इसकी पूंछ छोटी है। अगर ये फीमेल होती तो ये पूंछ लंबी होती। एलियो ने मुझे बताया कि ये बात भी करता है, तो जरा सुनते हैं। अच्छा तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? जरा इसके पंजे देखिए, देखिए इसने कैसे मेरी उंगलियों को जकड़ कर रखा है। ये इन पंजों से शिकार करता है और कभी कभी फल भी तोड़ता है। फलों से याद आया, इसकी चोंच देखिए, ये इसकी मदद से सख्त फल भी खा सकता है। अब ये मुझे थोड़ा सा पहचानने लगा है तो ये भी मेरे सर पर चढ़ने की कोशिश करेगा। यही तो वाइल्ड फ्रैंक का कमाल है दोस्तों, की जानवर मुझसे दूर नहीं रह पाते। इनकी जो चोंच होती है इसकी मदद से ये पेड़ों को खरोंच कर कीड़े ढूंढते हैं। ऐसे ये देखिए, ये पेड़ों की छाल हटाकर चुक चुक इस तरह से कीड़े ढूंढते हैं। मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। अमेज़न के अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं कुछ ऐसी जनजातियों को ढूंढ रहा हूँ जो अभी इस विशाल जंगल में रहती हैं, लेकिन उन तक पहुँचने का रास्ता बहुत से खतरों से भरा है। सांपों के साथ रहते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इन्हें ज्यादा परेशान मत कीजिए, वरना ये आपको काट लेंगे। अब मैं इसे यहीं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे हाथ से खून बह रहा है। ये देखिए, इसने मुझे काट लिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये भी एक कंस्ट्रिक्टर है, मतलब इस सांप में जहर नहीं होता, लेकिन ये फिर भी काटते हैं और इनके दांत बहुत तेज होते हैं। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत है। ये पानी में तैरते हैं, पेड़ों पर भी चढ़ सकते हैं। ये वाला जो है ये शायद 5 या 6 साल का है। सोचिए ये कुछ सालों में कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इनकी उम्र करीब 30 साल तक। ओहो, इसे मुझसे खतरा लग रहा है इसलिए ये काट रहा है। ये थोड़ा आक्रामक हो गया है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं यहाँ इसे नुकसान पहुँचाने थोड़ी ना आया हूँ, मैंने तो बस इसे नाव में रखा है। अगर मैं इसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, और काटो। इसकी पूंछ लाल रंग की होती है, इसीलिए इसे रेड टेल बोआ कहा जाता है। ये मुझे हाथ लगाने नहीं दे रहा। इंस्पेक्टर, मैंने अपने हाथ ऊपर कर लिए हैं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये देखिए, इसने एस शेप बना लिया है, इसका मतलब है कि ये कभी भी अटैक करेगा। मैं इसका ध्यान भटकाऊंगा। इसे देखकर तो नहीं लग रहा कि ये ऐसे पानी में जाएगा। इन्हें ऐसे ही समझाना पड़ेगा क्योंकि ये सुन नहीं सकते, इनके कान नहीं होते। आपको इशारों से ही इनका ध्यान भटकाना होता है। इसने मुझे पूरी तरह काट लिया है, दर्द भी हो रहा है। कोई बात नहीं, दर्द के आगे जीत है। मुझे पहचाना? जैसे ये सांप बड़े होते हैं, ये बड़े बड़े शिकार खाते हैं, जैसे कि एक बड़ा सा बंदर। ये करीब 13 फुट तक लंबे हो सकते हैं और इनका वजन 30 किलो तक हो सकता है। अगर ये पूरी तरह बड़ा हो जाए तो इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। ये उतर रहा है। शायद इसने अब जाने का मन बना लिया है। इसने 2 बार तो मुझे काट लिया, संभल कर रहना होगा।
आज वो दिन है जब मुझे नहाना होगा, क्योंकि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं एक भी बार नहीं नहाया और अब मुझसे बदबू आ रही है। तो मैं चला, मैंने यहाँ आगे एक छोटा सा तालाब देखा था और मैं सोच रहा हूँ कि वहीं जाऊँ। यही तो था, कहाँ गया? नहाने से पहले माइक उतारना पड़ेगा। ये देखिए मेरा माइक, इसे निकालता हूँ। इसे निकालने लगाने में मेरी वैक्सिंग हो जाती है, ये बहुत डेलिकेट है। चलो इसे निकाल लिया, बैग में रख देता हूँ। साबुन भी नेचुरल है। मैं अपनी सैंडल्स को धो रहा हूँ क्योंकि ये बहुत गंदी हो गई हैं और मुझे अभी इन्हें कुछ दिन और चलाना है। पानी काफी साफ है, आमतौर पर साफ पानी के पास जानवर भी होते हैं। सैंडल तो साफ हो गए, अब बारी है टोपी की। अब इसे धोऊंगा तो सुखाने का वक्त नहीं मिलेगा, जाने दो। ये साफ है, एक हफ्ते पहले ही धोई थी। इसे भी रख देता हूँ। ठंडा ठंडा पानी, कुदरत में नहाने का मजा। बैठ जाता हूँ। वाह, मैं तो बाथटब का मजा ले रहा हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे देख रहा है? यहाँ कोई है क्या? वो देखिए वहां पर कोई है, एक वाइल्ड बोर, और लगता है वो मेरी टी शर्ट खाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बाहर निकला तो ये यहां से भाग जाएगा। पता नहीं इसे मेरी टी शर्ट में क्या पसंद आया। देखिए वो जा रहा है। आमतौर पर ये जानवर इंसानों के करीब नहीं आते। जितना डर हमें उनसे लगता है उतना ही उन्हें भी हमसे लगता है। जब इन्हें डर लगता है या ये गुस्सा होते हैं तो इनके शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, बुआ इस तरह। इन्हें देखकर ऐसा लगेगा कि ये कोई स्टाइल है, लेकिन ये स्टाइल नहीं है। इन्हें कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आते, लेकिन ये वाला बिंदास है। ये जा रहा है। साबुन खाओगी क्या? यहाँ आओ, इसे शायद भूख लगी है इसीलिए ये मेरे पास आ रहा है। इसे लगता है कि ये साबुन खाने की चीज है। देखिए पहले इसे मुझसे डर लग रहा था इसीलिए ये भाग रही थी, लेकिन अब ये मेरे पास आ गई। शायद ऐसे रब करने से इसे अच्छा लग रहा है इसीलिए ये यहाँ लेट कर मुझे रब करने को कह रही है। इसके बाल बहुत सख्त है, ये फर जैसे बिल्कुल नहीं है। ये झाड़ियों में घूमते हैं और जो मिल सके वो खाते हैं। ये ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा पेट है। ये देखिए अच्छा लग रहा है। हा? इसे ऐसा लग रहा है जैसे ये स्पा में मसाज ले रहा है। इसके दांत देखिए कितने तेज हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसके बाल बहुत सख्त होते हैं और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे जंगल में झाड़ियों से गुजरना पड़ता है। शायद इसे ये बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए ये सो गया है। अब जरा इसके पैर देखिए, इसके जो नाखून होते हैं वो कीचड़ में धंसते नहीं है। इसकी पूंछ देखिए कितनी छोटू सी है, अगर ध्यान ना दे तो नजर भी नहीं आएगी। और इसकी नाक देखिए बिल्कुल ट्रम्पेट जैसी है, इसीलिए इन्हें ट्रम्पेट नोज भी कहा जाता है। क्या चाहते हो तुम? हाँ, मेरे कपड़ों में क्या ढूंढ रहे थे? मैं नहा रहा था और ये मुझे डिस्टर्ब करने यहाँ आ गया। शायद इसे लगा कि मैं कोई वाइल्ड बोर हूँ। देखिए ये मुझे बिल्कुल नहीं काट रहा है। अरे कम से कम अपना नाम तो बताओ। ओ, नहीं, चलोगे मेरे साथ? हाँ, घर चलोगे? हाँ, बताओ, ले चलो। ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रहा है। देखो मुझे और भी काम है, मैं दिन भर तुम्हें सहला नहीं सकता। शायद तुम्हारा एक दोस्त आया, देखो नाराज होकर चला गया, बात नहीं करेगा। देखो देखो मैं तो नहा रहा था और तुमने मुझे नहाने नहीं दिया, लेकिन अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो मैं तुम्हें रोज नहलाऊंगा। वैसे भी तुम यहाँ रहकर बहुत गंदे हो गए हो। देखो तुम्हारे कान कितने गंदे हैं, दांत भी गंदे हैं, ब्रश नहीं करते क्या? नहाना तो तुम्हें पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। चलो बहुत हो गया प्यारा, अब मुझे और भी काम है। शादी मेरी टोपी खा रहा है। ए, ए, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। दिन बस ढलने ही वाला है और इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर हैं, इसीलिए यहाँ सोने के लिए मुझे खास इंतजाम करने होंगे।
अब मैं जंगल में ऐसे तो सो नहीं सकता, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और इसके लिए ये चीज बहुत अच्छी है। ये है यूका पाम, इतना काफी होगा। अब इन्हें मैं उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। अब मुझे बस एक खुली जगह ढूंढनी है और शायद एक ऐसा पेड़ जहाँ मैं इसे बांध सकूँ। और मैंने पीछे ऐसी एक जगह देखी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह को साफ कर लूँ और ये लकड़ी भी हटा दूँ। इससे मुझे काफी खुली जगह मिल जाएगी। मेरी मशेटी ऐसे में बहुत काम आती है। इससे मैं नीचे की गंदगी हटा रहा हूँ और इस तरह साफ करने से कम यहाँ छोटे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। और जंगल में आपको हमेशा ही अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि कभी भी यहाँ कोई भी आ सकता है। अब मैं पेड़ की मदद से एक बेड बनाऊंगा जो इस तरफ लगेगा। ये जमीन से थोड़ा ऊपर होगा ताकि मुझे नीचे रेंगने वाले इंसेक्ट्स ना काटे। मैं चाहता तो मैं नीचे बेड लगाकर वहाँ भी सो सकता था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है और वो ये कि ये जंगल सांपों से भरा है और मैं रिस्क नहीं ले सकता। आधी रात तो लकड़ियां काटने में ही निकल गई, लेकिन आखिरकार मैंने एक ऐसा शेल्टर बना लिया जहां मैं जानवरों से सुरक्षित रहकर आराम कर सकूं। मैं इस पर अपने पैर रखूंगा। ये इतना आरामदायक तो नहीं पर सुरक्षित है। ये क्रोकोडाइल है, ये एक छोटा सा क्रोकोडाइल है। बच के भाग रहा था, लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया क्योंकि मैं इसे आपको दिखाना चाहता था। ये इस वक्त छोटा है लेकिन मेरी उंगलियां काट सकता है, इसीलिए मैंने इसे गर्दन से पकड़ा है। घबराओ मत, हाँ मैं तुम्हें जल्दी छोड़ दूंगा। जरा हमें अपनी पीठ तो दिखाओ। ये देखिए, ये करीब 2 साल का है और इसके आगे के पैर इस वक्त बहुत छोटे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, क्रोकोडाइल्स मीट ईटर्स होते हैं और इनके दांत बहुत तेज होते हैं। एक बार ये आपको काट ले तो ये दांत अंदर तक धंसा देते हैं। मुझे लगता है कि इसने अपना बिल यहीं आसपास कहीं बनाया। ये देखिए, यहीं पर है। जरा इसके दांत देखिए, कितने तेज हैं। इनके 48 दांत होते हैं। ये अपने खाने को चबाते नहीं है, उसे सीधा निगल लेते हैं। आप इसकी पीठ और पूंछ पर बनी इन स्पाइक्स को देख रहे हैं? ऐसा लगता है कि ये कोई डायनासोर है। इनकी इसी खूबसूरत स्किन के लिए इनका इतना शिकार किया जाता है। ये देखिए, ये कितना सख्त है। जब मैं अपना हाथ इस पर फेराता हूँ तो ये चुभते हैं गांठों की तरह। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब मेरा हाथ देखिए। देखिए इसे रगड़ने पर कैसा जख्म बनेगा। ये देखिए, कहाँ है भाई? नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नहीं। अरे यार, लेकिन दर्द तो बहुत हो रहा है। कोई नहीं, इसकी आंखें देखिए। और आंखों से बहने वाले आंसू की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, मगरमच्छ के आंसू। कहानी ये है कि जब ये एक इंसान को खा रहा था तो इसके आंखों से लोगों ने आंसू बहते देखे और उन्हें लगा कि इसे दुख हो रहा है। लेकिन असल में इसकी बनावट कुछ इस तरह की है कि जब ये कोई भारी चीज खाता है तो इसकी आंखों से अपने आप आंसू निकल आते हैं। मेरे हाथ पे जख्म दिख रहा है क्या? नहीं फ्रैंक, कुछ भी नहीं है। नहीं दिख रहा? नहीं। इन्हें पानी में और तेजी से तैरने में मदद करती है इनकी ये पूंछ। देखिए इसे, ये बिल्कुल सीधी है और पीछे आते हुए चपटी हो जाती है, और इससे ये अपने आप को पानी में आगे धकेलते हैं। ये जमीन पर भी काफी तेज रेंगते हैं। बच्चों को हमेशा खुद से बड़े जानवरों से डर रहता है क्योंकि वो इन्हें खा सकते हैं, और इन बच्चों का जबड़ा भी इतना मजबूत नहीं है कि ये उनसे अपने ए, 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 शिकार को मुंह में फंसा सके। वो अटक जाएगा। और ये कुछ भारी चीज भी नहीं खा सकते क्योंकि वो यहाँ पर अटक जाएगा और फिर उसे उगलना होगा। इनमें एक और खास बात है, ये देखिए, इसने अपने मुंह को पूरी तरह बंद कर लिया है। इससे ये तैरते वक्त भी मुंह को खुला रख सकते हैं। बारिश रुक चुकी है और सूरज बाहर निकल चुका है। शायद मुझे भी यहाँ से निकलना चाहिए।
क्योंकि इस क्रोकोडाइल की मम्मी आसपास ही होगी और मैं उसका खाना नहीं बनना चाहता। चलो दोस्त, अब अलविदा कहने की बारी आ गई है। बाय। जाओ। अपना ख्याल रखना। देखिए कितनी तेजी से निकल गया। आ जाओ, चलो हमारे साथ, चलो हमारे कबीले, चलो आ जाओ। अब तुम हमारा ही हिस्सा हो।